السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं सईद इकबाल यूट्यूब चैनल मिस्टर मुगल के नाम से जुमे का दिन मस्जिद हर दिन गुजरता हूँ. दिल चाहता है कि इसमें नमाज पढ़ी जाए. कुछ जगह भी ऐसी आने जाने में वो दूर है थोड़ा सा, सलेबी खात है, कब्रिस्तान है साथ में, ग्रेडयार्ड सलेबी खात का कब्रिस्तान, उसके साथ में नई मस्जिद बनी है. बहुत ही खूबसूरत दिन का व्यू तो जो है, लेकिन जो रात का व्यू है वो तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह. तो आज का जुमा मैंने उस मस्जिद को इंतखाब किया है. आज का जुमा, जुमे की नमाज उधर ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो मैं भी देखता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, आपको भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह. देखें कि वो बाहर से तो बहुत खूबसूरत है और इंशाल्लाह अंदर से तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी. मैं आपको दिन का व्यू भी दिखाऊंगा और रात का व्यू भी दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह. अभी तो जुमे के लिए जा रहे हैं हम. मेरे घर से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर है. चलो देखते हैं इंशाल्लाह. जी ये मस्जिद है जी, माशाल्लाह से बहुत बड़ी मस्जिद है. देखें ये है उसकी एंट्रेंस और सामने ही वो लिखा है वधू. हाँ जी, एक बार मैं ये साइड व्यू दिखाता हूँ. ये देखें ये किस कदर बड़ी मस्जिद है कि एक उसका ये भी एंट्रेंस डोर है. ये भी इसका एक उसका डोर है. हाँ जी ये देखें जी, इफ्तिताह किया है अली मोहम्मद सनियान अल गानम ओ हरमा फ़ायज़ा मोहम्मद अब्दुल महसन खुराफ़ी यम सलाता तलाता जमादियुल अव्वल अरबता शर मियाँ तलाता अरबईन, यानी मंगल को 3 जमादी उल अव्वल को 1443 हिजरी को और 7 दिसंबर 2021 में इसका इफ्तिताह किया गया है और इसको खोल दिया गया है. ठीक है, मस्जिद देख लें एक बार.
बहुत बड़ी मस्जिद है बहुत, क्योंकि इसके चार जो दरवाजे हैं मुख्तलिफ एंट्रेंस से वो देखें माशाल्लाह से। हाँ जी ये देखें, ये इसके बाहर से ही माशाल्लाह बड़े बड़े द्वार हैं। ये रात को देखने वाला होगा माहौल, मदखाल रईसी कितना बड़ा दौर है। ये इसके अंदर का व्यू, ये एंट्रेंस है मस्जिद के अंदर होने की। ये देखें اللهم افتح لي باب رحمتك। ये फ्रिज है पानी ठंडे करने वाली, पानी पड़ा हुआ है। इधर से वजू का रास्ता, अंदर से भी जा सकते हैं हम। ये मस्जिद के अंदर है तो उधर से भी, ये देखें अलवदू, ये देखें है रास्ता माशाल्लाह से। ये एक हाल है छोटा सा देख लें, इंतहाई खूबसूरत बनाई गई है मस्जिद और माशाल्लाह से बहुत बड़ी है। देखें फुल सेंट्रल एसी है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। ये एक रिंग है, ये दूसरा रिंग है, उधर तीसरा, साथ में चौथा है, ये साइडों पे है और ये सेंटर में है। बहुत प्यारी मस्जिद है, ज़रूर विज़िट करो। सलेबिया खात में बड़े कब्रिस्तान के साथ में है और वसी वारीस मस्जिद है। दिन का व्यू है, मैं इंशाल्लाह रात को भी बाहर का व्यू दिखाऊंगा। इधर बहुत सारी एक कुर्सी रखी हुई है जो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, ये है एक जगह पे कुराने पाक रखे हुए हैं। पूरी मस्जिद में जगह जगह अंदर निकलने, अंदर आने बाहर जाने के दरवाजे हैं, ये भी है। इसी तरह साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है इसका लगाया है। हाँ जी ये देखिए जी बोस के साउंड सिस्टम, वर्ल्ड्स बेस्ट सिस्टम बोस गाड़ियों में आता है। मेंबर भी ग्लास का है,
हर जगह पे LCD लगी हुई है, यानी हर तरफ से बाहर जाने का रास्ता है। एक ये है, एक ये है, एक ये है। कुरान पाक लातादाद में और तरतीब कितनी खूबसूरत रखी गई है। एक ये बाहर जाने का है, उसके पीछे भी एक है, एक वो सामने है, साइडों पे तीन है और पीछे दो है। देखें, और ये बाहर जाने का रास्ता दूसरी तरफ से जो मेन है। मस्जिद का नाम मिला, हाँ जी, मस्जिद लगाना मलखराफी, ये है उसकी पूरी डिटेल। ये देखें मस्जिद, ये उसका है जो रात को व्यू होगा, ये है। तो इंशाल्लाह रात को भी मैं दिखाऊंगा, रात का व्यू भी आपको दिखाऊंगा कि वो किस कदर खूबसूरत लगती है रात को ये मस्जिद। ये जो स्पीकर है या स्टीरियो सिस्टम है, ये बोस का है। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 तो ये बड़े हॉल में है, तो बाहर से दूसरा जो छोटा हॉल है वो भी देखते हैं। हाँ जी, ये है छोटा हॉल है, ये एंट्रेंस का फर्स्ट और बड़ा हॉल है। इसमें भी ये देखें LCD लगी हुई है और इसका भी स्पीकर 1, 2, 3, 4 इसमें 4 ऐड किए गए हैं स्पीकर। लेकिन जिसको पता है, इवन के मेरी गाड़ी में भी बॉस के लगे हुए हैं। इसका आवाज़ का सिस्टम जो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही, जिसको मालूम है बॉस का सिस्टम वो बेहतर जानता है। लेकिन तारीफ़ के लायक है ये मस्जिद भी, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत है। कारपेट देखा, लंबाई में ये लातादाद है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम देखा है कि ये जो चौड़ाई में है ना, वो 3 खत है, यानी 3 सफ़े बन सकती है, 3 मीटर या 3.5 मीटर तक ये होगा। इंतहाई खूबसूरत ये स्पेशल बनवाया गया है मस्जिद के लिए। वैसे तो हर जगह पे देखते हैं तो एक ही खत होता है, एक ही साफ होती है, लेकिन ये 3 सफ़े चौड़ाई में कारपेट की हैं। ये बाहर जाने का रास्ता है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फजलिका। जी ये देखें बाहर का जो फर्स्ट, बाहर से बिल्कुल ही निकलने के टाइम ये है। ये भी हाल है जी, सिर्फ ये खाली है। इधर बस जूती उतार सकते हैं बस, और ख़ूबसूरती के लिए भी है। शूज़ उतारने के लिए ये जगह, ये बैठ के आप पहन सकते हैं। मदखल रईसी, हर तरफ लिखा हुआ है मदखल रईसी। ये जूते उतारने की, इधर रखने की जगह है। ये बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है, जगह जगह पे है और जगह जगह बैठ के बेंच बनाए गए हैं, आप बैठ के उसको पहन सकते हैं। जो शूज़ पहन के आते हैं, जो चप्पल पहन के आते हैं, उसके लिए ये है जगह जगह पे। और ये उसकी एग्ज़िट है, कितनी खूबसूरत है ये देखें। इन बहुत ही ज़बरदस्त काम है, मैं पहले भी दिखाया था कि ये देखें, ये लाइटिंग है, ये रात को पता लगे ये कितनी खूबसूरत लगेगी। तो इंशाल्लाह रात को भी एक चक्कर लगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। हाँ जी, ये देखें रात का व्यू मस्जिद का।
देखो कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत रात में कैसे चमक रही है। हाँ जी, ये उसकी बैक साइड है। दूसरी साइड व्यू है, ये मेन एंट्रेंस है, ये है मेन एंट्रेंस इसकी। ये देखें जी मेन एंट्रेंस है और हर साइड से एंट्रेंस है, डबल एंट्रेंस है, एक बाहर की साइड एंट्रेंस है और दूसरा फिर एक मेन यानी अंदर से फिर एंट्रेंस है। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।